वाला लगाना। तो सबसे पहले टीका लगा देते हैं। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। तो हल्द्वानी में इतनी ज़्यादा गर्मी है और केक भी पिघल गया है। हिमांशु खिला दे पापा को। तो बोलना चाहोगे बर्थडे में कैसा लगा तुम्हें आज 50वां बर्थडे अपना? खाली और भी खराब। बोलो, कम हो गई अब? उम्र कम हो गई? अच्छा। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला और नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यार हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं। और आज की जो मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही है ना, वो रात से हो रही है। रात के 8:30 बज गए हैं। तो आज है मेरे जीवन साथी का बर्थडे, पतिदेव का बर्थडे है आज। और बच्चों ने केक भेज दिया है, तो केक काटते हैं तो आपको भी दिखाते हैं। तो मैं तो तैयार हो चुकी हूँ, मैंने ऐसी इसके ऊपर से कुर्ती डाल दी है। हमारी केक काटने की तैयारी हो चुकी है। ये है केक। केक गर्मी इतनी है ना, ये पिघल के नीचे को आ रहा है। ये भेजा है बेटी ने पापा करके। केक रख रहे हैं साहब जी और हिमांशु। तो केक कट करने की तैयारी हो रही है, बर्थडे की तैयारी हो गई। हैप्पी बर्थडे पतिदेव। थैंक यू। मोमबत्ती किसने दो दो ही को भेजे हैं इसको? 50 मोमबत्ती भेजा। हाँ, आज साहब जी को 50 साल हो गए, तो 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है आज। 50वां बर्थडे है साहब जी का। तो रुको मैं जलाऊं। हैं क्या वाला लगाना? तो सबसे पहले टीका लगा देते हैं। और आपको बहुत बहुत बधाइयाँ जन्मदिन की। अभी रहने दो उनको। अरे नहीं, ऊपर केक खराब हो रहा है। ऐसे साइड चल जाता है वो। थोड़ा एक को बुझा दो ऐसे। बुझाते नहीं यार। एक को बुझा दो, एक अपना रहता नहीं। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू। एक फोटो लेते हैं ऐसे। आप आओ, यही मत देख रहे हो, बस वहां देख रहे हो फोटो में। तो हल्द्वानी में इतनी ज़्यादा गर्मी है और केक भी पिघल गया है। हिमांशु खिला दे पापा को। तो अब आ गया है पापा का लाडला। आपके लिए केक पापा जी, आपके लिए। मन्नू बड़कर। और ये है, पकड़ो। एक फोटो ले लेना पापा इससे। अच्छा हो गया। एक फोटो ले ले। बोलना चाहोगे बर्थडे में कैसा लगा तुम्हें आज 50वां बर्थडे अपना? खाली और भी खराब। बोलो, कम हो गई अब? उम्र कम हो गई? अच्छा। 50 साल हो गए। 50 साल तो काल में वैसे तो ज्यादा हो गए। वैसे ज्यादा हो गए और ज्यादा बुढ़े हो गए हो। 1-1.5 साल ज्यादा हो गए उससे। अच्छा, तो जो लोगों ने आपको बधाइयां दे रखी हैं, क्या कहना चाहोगे उनको? बहुत बहुत धन्यवाद। किसने दिए? सारे जनों ने दिए बधाई। अच्छा, तो स्टेटस नहीं लगाए फिर आपने? स्टेटस नहीं लगाना ना, सबको पता चल जाता है। तभी एक बीना, एक कब्बू ने दी है, एक बीना ने, एक किरण ने, एक किरण ने, एक और दी थी, किसने दी पद्दी? एक पद्दी ले। ओ, एक पद्दी। चलो फिर हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, हार्दिक 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 शुभकामनाएं जन्मदिवस की। यहाँ पे केक खाने की तैयारी हो गई। साहब जी ने लगा दिया और केक ऐसा हो गया ना पिघल के, ये हलवा सा रख दिया मेरे उसमें। आज हल्द्वानी में इतनी ज़्यादा गर्मी है और हिमांशु यहाँ से सीधे भाग गया अंदर को। तो ना हम भी, मैं भी खाती हूँ, ये लोग तो खाने लगे हैं केक। हिमांशु ले गया है अंदर और आप लोग भी आइए केक खाइए। साहब जी आप भी खिला दो जरा। और ये वाला केक साहब जी ने मुझे दे दिया है, इसको तू ही खा। बल आप नहीं खाओगे इसे? या चुबल मनोरट मनो पाड़े के मनोरवल, तो मनो पाड़े में ही खा ली लूँ। और आप लोग भी खाइए। इसमें क्रीमी क्रीम है जरा। ऐसे ठगते हैं, ये है वो है, पैसा ज्यादा लगा देते हैं। और
इससे अच्छा तो वो दस दस रुपए वाली पेस्ट्री आती हो ठीक है ना। तो केक तो खा लिया हम लोगों ने और अब बनाते हैं रोटी। और आज मैंने बनाई है पनीर की सब्जी। पनीर मटर पनीर भी नहीं है, खाली ऐसे पनीर ही पनीर है, सिंपल सा पनीर की सब्जी बना रखी है। और इसमें मैंने आटा गूंथ के रखा है। आटे में जब भी आटा गूंथते हैं ना तो ऐसे निशान बना के रखने पड़ते हैं, नहीं तो बोलते हैं पिंड के समान हो जाता है। तो जब भी आप आटा गूंथे ना तो ऐसे उंगलियों के छाप बनाते हैं उसमें, तब आटे को रख देते हैं। और अब मैं बनाऊंगी रोटी। और एक स्पेशल चीज़ साहब जी ने ये मंगाई है, इसके बारे में भी मैं कल आपको एक छोटी सी वीडियो बना के दिखाऊंगी। दोस्तों ये तवा मैंने रख दिया है और अब मैं बनाती हूँ रोटी। फटाफट बनाते हैं रोटियाँ। और ये है मेरा प्यारा सा किचन, आप देख सकते हैं पीछे किचन में भी मैंने पेंट की बाल्टी में पानी रखा है ना, वो मेरी बेटी हमेशा बोलती है मम्मी पेंट की बाल्टी में आपने पानी रखा है करके। तो फटाफट बनाते हैं रोटियां। तो यार आज ऐसी था साहब जी का बर्थडे, बेटियां होती है ना घर में बहुत चहल पहल होती है, उनको बहुत ज्यादा शौक होता है छोटी सी चीजों को भी वो सेलिब्रेट करना होती है ना, बेटियों को बहुत ज्यादा शौक होती है छोटी छोटी खुशियों को ना, वो होती है छोटी छोटी चीजों को भी ना, और छोटी छोटी खुशियां ना उनके लिए बहुत मायने रखती हैं। तो आज पापा का बर्थडे था तो उसने केक भेजा था वहीं से और पापा का बर्थडे मनाया। वैसे तो हम बर्थडे वगैरह नहीं मनाते हैं, आजकल बर्थडे में जब भी आता है तो बच्चे केक भेज देते हैं तो काट लेते हैं और ऐसे ही छोटी छोटी खुशियां अपना एंजॉय करते हैं। ऐसी छोटी सी लाइफ है यार, सभी लोगों को खुश रहना चाहिए और ऐसे ही एंजॉय करना चाहिए। कल क्या है किसने देखा। तो मैं बना रही हूँ रोटी और आ जाओ आप भी मेरे हाथ की रोटी खाने के लिए। जो बेटियाँ होती है ना, बेटियाँ खुशनसीब वालों को मिलती है बेटियाँ, और बेटियों से ही घर में रौनक बनी रहती है। बेटे भी अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है कि बेटे अच्छे नहीं होते हैं, उनसे कोई चीज़ ऐसे दिखावे जैसी नहीं होती है, वो अपना साइड साइड ही रहते हैं। बेटे भी अच्छे होते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि बेटे अच्छे नहीं होते हैं, पर जो बेटियां होती हैं ना उनको खुशियां बांटनी आती है, छोटी छोटी खुशियों को बांटते हैं वो और लाइफ में इंजॉय करते हैं। तो जब भी हमारा बर्थडे वगैरह आता है तो बेटी हमारे लिए केक भेज देती है वहाँ से। थैंक यू सो मच कब्बू इतना प्यारा प्यारा सा पापा का बर्थडे मनाने के लिए। तो यार इसी के साथ ना तो मैं आज की जो ब्लॉग है ना उसको भी समाप्त कर देती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग, जो ब्लॉग तो नहीं कह सकते, छोटी सी वीडियो थी ना मेरी, हमने आपके साथ इसको सेलिब्रेट किया था, आपके साथ साझा किया था, तो आप इसे एंजॉय कीजिएगा। और इसी के साथ है ना जो आज की जो छोटी सी वीडियो है ना उसको मैं समाप्त यहीं पे समाप्त कर देती हूँ। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो करना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, जो आपका दिल चाहे वो आप लिख देना। जय देवभूमि, जय भारत और जय उत्तराखंड। बाय बाय।